विराट कोहली ने T20 फॉर्मेट में टीम इंडिया की कप्तानी छोड़ने का ऐलान करके हर किसी को चौंका दिया। उन्होंने गुरुवार 16 सितंबर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए जानकारी दी कि वो वर्ल्ड कप के बाद T20 फॉर्मेट में टीम इंडिया के कप्तान नहीं रहेंगे। कोहली ने वर्कलोड के कारण एक फॉर्मेट में कप्तानी छोड़ने का निर्णय लिया है। 32 साल का दिग्गज अपनी बल्लेबाजी पर ज़्यादा फोकस करना चाहता है। इस ऐलान के साथ कोहली चर्चा में बन हुए हैं और एक्सपर्ट्स उनके इस फैसले के पीछे अलग अलग कारण बता रहे हैं। कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने भी अपनी राय रखी। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या ICC टूर्नामेंट नहीं जीत पाने के कारण कोहली ने फैसला लिया, तो उन्होंने कहा कि कोहली के दिमाग में फैक्टर तो आया ही नहीं होगा और बतौर कप्तान उन्होंने शानदार काम किया है। राजकुमार शर्मा ने कहा कि जहां तक ICC टूर्नामेंट नहीं जीत पाने की बात है, तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना बड़ा टैग है। आप उनके रिकॉर्ड को देखें, वो सबसे सफल कप्तानों में से एक है और मैं हर फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ। ऐसे में आप किसी कप्तान को ICC ट्रॉफी के आधार पर अच्छा या बुरा नहीं बता सकते। कोहली का रिकॉर्ड बताता है कि उन्होंने कप्तान और खिलाड़ी के तौर पर देश के लिए क्या किया है। राजकुमार ने बातें एक इंटरव्यू में कही। उन्होंने आगे कहा कि समय आने पर विराट RCB की भी कप्तानी छोड़ सकते। कहा कि जहां तक IPL की बात है, मुझे लगता है कि समय आने पर कोहली RCB की कप्तानी से भी इस्तीफा दे सकते हैं। वो बतौर बल्लेबाज खेलते रहेंगे, उनके लिए बेहतर होगा क्योंकि वो अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान दे सकेंगे और साथ ही वनडे और टेस्ट फॉर्मेट पर भी फोकस कर सकेंगे। बता दें कि विराट ने 45 T20 मैचों में टीम इंडिया की कप्तानी की है, इनमें से 27 में टीम इंडिया को जीत मिली। कोहली की कोशिश होगी कि टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जीते और जाते जाते ICC की ट्रॉफी उनकी झोली में आए। विराट फिलहाल IPL सीजन 14 के दूसरे हिस्से की तैयारियों में है। टूर्नामेंट की शुरुआत कल से UAE में होगी। कोहली की टीम RCB अंक तालिका में तीसरे नंबर पर है, उसने 7 में से 5 मुकाबले जीते हैं। अब ये देखना होगा कि जो विराट के कोच ने कहा है, क्या विराट कोहली RCB की भी कप्तानी छोड़ते नजर आएंगे, ये एक बड़ा सवाल नजर आ रहा है। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।